हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको संस्कृत में नाउंस और प्रोनाउंस लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है? तो आज से चिंता छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि संस्कृत के टेबल्स कैसे लर्न करना है। अभी आपके सामने एक वर्ड है देव, इसके लास्ट में अ आ रहा है, इसलिए ये हुआ अकारांत और देव है पुल्लिंग। अकारांतम पुल्लिंगम नाम देव। अभी आप दो तरीके से लर्न कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब ये इसमें प्रोनाउंसिएशंस जो है, डिक्शंस जिसे बोलते हैं हम, वो ध्यान रखो। जैसे कि देवम म हलंत, देवान न हलंत, बट देवे न, न पूरा है, बराबर। अब जैसे द्वितीय वचन ब, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में देवान, लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन में देवे न, ठीक है। अब देखिए कैसे बोलना है। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और विभक्ति, ये चार कॉलम्स है आपके पास। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयो देवानां षष्ठी, देवे देवयो देवेषु सप्तमी, हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम्। अब ये आप वर्टिकल भी लर्न कर सकते हैं। जैसे एकवचनम, देवः देवम देवेन देवाय देवात् देवस्य देवे हे देव, देवौ देवौ देवाभ्याम 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 देवयोः देवयोः हे देवौ, देवाः देवान देवैः देवेभ्यः देवेभ्यः देवानां देवेषु हे देवाः। ये हुआ हमारा अकारांत पुल्लिंग नाम देव। अब इसके जैसा ही बाल आ सकता है, बाल का मतलब है बॉय। बालः बालौ बालाः प्रथमा, बालं बालौ बालान द्वितीया, बालेन बालाभ्यां बालैः तृतीया, बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः चतुर्थी, बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः पंचमी, बालस्य बालयोः बालानां षष्ठी, बाले बालयोः बालेषु सप्तमी, हे बाल हे बालौ हे बालाः संबोधनम्। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से आगे के भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। तब तक के ये वाला टेबल जो है ये लर्न करके रखिए। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड ऑन सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस।